मेरे YouTube चैनल पर आपको अलाइनमेंट, बैलेंसिंग और टायर संबंधित सारी जानकारी मिलेगी। तो हमारे पास टायर आया हुआ है, इसमें से टायर में मैं बताऊंगा आपको। ये टायर देखिए, इसकी जो ये ग्रिप जो ख़त्म हो रही है, ये अलाइनमेंट की वजह से हुई है। इधर इसके अंदर माल पड़ा हुआ है, इधर इतना भी है, यहाँ से ग्रिप ख़त्म हो चुकी है इसकी। इसका मतलब इसका अलाइनमेंट आउट है, तो इन्होंने कंटिन्यू यूज़ कर दी गाड़ी। उसके बाद एक टायर और बताऊंगा मैं, जिसकी बहुत ही ज़्यादा कंडीशन ख़राब है। ये देख लीजिए, ये अलाइनमेंट की वजह से पूरा ख़त्म हो चुका है। इसकी कारण ये रहता है कि अलाइनमेंट जब आउट होता है, अपन ध्यान नहीं देते हैं, तो इसका टायर क्या पूरा सर्विस ले नहीं पाता है और पहले से ही ख़त्म हो जाता है। इसके अंदर इतना माल पड़ा हुआ है एक साइड, ये अलाइनमेंट की वजह से इतना ख़त्म हो चुका है। तो आप ये छोटी छोटी जानकारी अगर आप रखोगे गाड़ी में, तो टायर की सर्विस भी अच्छी मिलेगी और ज़्यादा टाइम टायर भी चला सकोगे आप। जैसा कि आप देख सकते हो, हमारे पास ये नया टायर है, वही कंडीशन है। अगर इसका अलाइनमेंट जब आउट हो जाएगा, तो ये एक साइड से ख़त्म हो जाएगा। अगर सही है, तो इसकी पूरी ग्रिपिंग एक जैसी उतरेगी। तो इसमें अलाइनमेंट प्लस बैलेंसिंग दोनों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। और उसके अलावा एक छोटी सी और जानकारी है, जो कि आप बुशिंग वगैरह उसमें भी थोड़ा ध्यान रख सकते हो, तो उस कंडीशन पे भी आपका अलाइनमेंट आउट होने का ज़्यादा चांस रहता है और टायर ख़त्म होने का ज़्यादा चांस रहता है। सो धन्यवाद।